वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे 2 है, 2 की पावर 3 का मान आप जानते हैं 8 होता है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जन्म कुछ ऐसे ही बेस की पावर से ही बना है। तो अगर मान लो मैंने ये लिख दिया b की पावर x = a, तो यहाँ पर जो बी है ये बेस है यानी 2 है, और एक्स है उसकी पावर, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, और ए यानी ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये ए है। तो अगर हम इसको लॉग के टर्म में लिखना चाहें तो हम ये बी को जब उधर भेजेंगे तो बन जाएगा लॉग बेस बी और ए बराबर एक्स। ठीक है, तो यही होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ बी की वैल्यू एक से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है ये वाली, ये एक्स की वैल्यू ये पावर होती है। ठीक है, ये आपकी पावर होती है, और ये जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 लिखने का मतलब हो जाएगा कि जैसे लॉग 2 की बेस 8 = 3। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इस नीचे जो 2 होता है, ये 2 आपको क्या है, ये होता है बेस। ठीक है, और जो ये 3 आता है ये क्या होता है, ये इसकी पावर होता है। ठीक है, तो ये बेस है, ये पावर है, और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इतना बातों को पहले तो आप सही से समझ लो। ठीक है, अब जानते हैं कि जो लॉग लॉग जो बी है यानी लॉग बी है, ये इसका जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, और जो ये रेंज होता है इसका वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम लिखते हैं लॉग बी और एक्स वाई, एक्स बराबर वाई, तो इसका मतलब होगा बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये जो बी है, बी ये एक से बड़ा होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान देना है। और जो इसका डोमेन है यानी जो एक्स है वो आपका रियल, मतलब डोमेन सारे रियल नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ये जो वाई है, ये वाई आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही ये सब ध्यान देना होता है। तो बाकी इसका रेंज याद कर लेंगे, इसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर, लेकिन जो इसका डोमेन होता है वो रियल पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो अब ना इसको ग्राफ से और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो एक ग्राफ बना दें। तो टेढ़ा हो गया, अब जैसे मान लो कि मान लो मैंने लिख दिया लॉग लॉग 10x। ठीक है, तो इस लॉग 10x का मीनिंग क्या निकालोगे? ठीक है, लॉग 10x, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ऐसे मैंने लिख दिया लॉग 5x, तो ये इसका ग्राफ और ऐसे जाएगा। ठीक है, बेस जितना कम करोगे इतना दूर जाएगा ये। ठीक है, ऐसे तो मैंने 2x लिख दिया। ऐसे हम जितना बेस, मतलब ये कांस्टेंट बढ़ाएंगे, ये उतना स्टीप हो जाएगा, यानी ये एक्स की तरफ स्टीप होगा। ठीक है, तो एक तरह से जो लॉग होता है वो हम समझ सकते हैं, लॉग 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका कॉमन, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कॉमन लॉगरिथम होता है तो उसको लिखते हैं लॉग बी एक्स, यानी इसको ऐसे लिखते हैं लॉग बेस 10 एक्स बराबर वाई, ऐसे लिखते हैं। और एक होता है आपका नेचुरल, नेचुरल में क्या होता है, लॉग इसकी बेस हमेशा ई होती है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो लॉग ई की बेस एक्स इक्वल टू वाई, और लॉग किसी कांस्टेंट की बेस 10 या कोई कांस्टेंट बी किसी और बेस को वाई, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सिर्फ लॉग एक्स लिख दिया है, तो लॉग एक्स बराबर वाई को ही आप समझेंगे कि नेचुरल लॉगरिथम ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात होती है कि यहाँ पर जो इसकी, मतलब ये ना जैसे वो
लोगरिथम फंक्शन जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर इमेज होता है, इसीलिए ये ना एक और जीरो सुख जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ सुख जाता था, जीरो एक, तो उसका उल्टा ही एक और जीरो सुख जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो लोग का ग्राफ होता है ये कभी भी वाई को नहीं छूता है। ठीक है, ये कभी भी वाई को नहीं छूता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर हम मान लें लोग 10 की पावर 1 0, हम जानते हैं ना लोग 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऐसे 10 की पावर 0 हमने पढ़ा है 1 होता है, तो यानी बी वाई बराबर हमने x से समझाया था, तो b हो गया आपका 10, तो यहाँ पे लिखेंगे log 10, x x की वैल्यू यहाँ 1 है तो लिखेंगे log 1, और 1 की वैल्यू क्या हो गई x, यानी y, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो यानी log 1 0। ठीक है, log 1 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी 10 की पावर 1 रखते हैं, मतलब 0 रखते हैं, तो उसका मान 1 होता है, तो 1 जो होता है वो लोग 0 पे होता है, तो ये यहाँ से पास होता है, याद रखना है। तो जो लोग होता है ये 1 और 0 से होकर जाता है, ये कभी भी वाई एक्सिस को छूता नहीं है। ठीक है, क्यों वो इसलिए नहीं छूता है, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव संख्या होती है। ठीक है, अगर हम इसकी पावर नेगेटिव भी लेंगे, ये लोग 10 की पावर x है, अगर हम यहाँ पे x की जगह नेगेटिव भी लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो इसीलिए ये कभी भी x को नहीं छूता है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देंगे, तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, तो जैसे हम ई एक्स बराबर मान लो वाई लिखते हैं, या वाई बराबर ई एक्स लिखते हैं, तो अगर हम इसको एक्स को यहीं छोड़ दें, ई को उधर भेज दें, तो ये उधर जाके हो जाता है लॉग ई की बेस वाई। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये एक दूसरे के समझ लो रेसिप्रोकल होते हैं या मिरर इमेज होते हैं, इसको ग्राफ से बताते हैं आपको। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा था ये 0 और 1 से होके जाता है ऐसे, और यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये x बराबर y का एक ग्राफ है जो कि एक मिरर इमेज है, ये एक शीशा रखा है मान लीजिए, तो शीशे में ये कर्व कैसे दिखेगा, तो इस तरफ से दिखेगा जाता है। ठीक है, ऐसे दिखेगा कुछ, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, यानी ये लॉग एक्स का ग्राफ है, तो ये जाता है 1 और 0 से। ठीक है, तो इस बात का पूरा आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो पहला होता है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में ऐसे होता है कि मान लो हमने लिखा है लॉग ए बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई बी और लॉग ई ए। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो अगर आपको दे दिया गया कि लॉग यहाँ पे मान लो ये जो ए बी है, तो ये जो हम चेंज ऑफ बेस में ये पढ़ते हैं, मान लो लॉग की बेस ए और बी है, तो हम इसको पहले लिखेंगे लॉग ई की बेस बी और लॉग ई की बेस ए। ठीक है, तो अगर मान लो लॉग 5 और यहाँ 7 लिखा हो, तो हम लिखेंगे लॉग ई की बेस 7 अपॉन में लॉग ई की बेस 5, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहली प्रॉपर्टी, सही है, एक बार और फिर अगला पढ़ते हैं अब। तो अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो दूसरी प्रॉपर्टी में ये होता है कि मान लो लॉग ई की बेस एम मल्टीप्लाई एम, यानी एम एन लिखा है, तो हम इसे लॉग ई की बेस एम और प्लस लॉग ई की बेस एन समझेंगे। ठीक है, यानी अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे प्लस लिख के अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा कि अगर ये प्लस में है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तीसरा, अगर मान लो लॉग ई की बेस एम बटा एन लिखा है, तो हम इसको लॉग ई की बेस एम और घटा लॉग ई एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये डिवाइड में है तो हम इसे माइनस में लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई में था तो प्लस में लिखें और डिवाइड में है तो माइनस लिखें, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता, मतलब इसका उल्टा मतलब ऐसे होता है कि कई बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं लॉग एम माइनस एन लिखा है तो इसको लॉग
लोग एम अपॉन ए लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर हाँ ऐसे माइनस में तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा, ऊपर में भी ऐसे ही था। अगला एक और प्रॉपर्टी सीख लेंगे, लॉग ई बेस एम और उसकी पावर एन। तो हम इसको आगे उतारेंगे, पावर को तो एन और लॉग ई बेस एम हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कभी आ गया लॉग, ठीक है, लॉग ई ई तो ये वन होता है, ठीक है। ऐसे मान लो एक आ गया ई, ई की पावर लॉग ई बेस 5 है, तो ये ई और लॉग ई हट जाता है, तो इसका आंसर सिर्फ 5 आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और एक जाते जाते डेरिवेटिव याद कर लेंगे कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, ठीक है।